300 गज हाउस डिजाइन, 5 BHK हाउस डिजाइन और सेक्टर 79 मोहाली के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स अभी है, जो घर है 36 फुट की चौड़ाई में और 75 फुट गहराई में, 36x75 300 गज आपका प्रॉपर प्राइम लोकेशन मोहाली सेक्टर 79 के अंदर प्रॉपर जो आजकल की मॉडर्न स्टाइल का लुक है। ये इस घर के अंदर 5 BHK होम, डुप्लेक्स स्टाइल होम है और टॉप फ्लोर पे आपका सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह बने हैं, आप उसको किराए पे भी दे सकते हैं और उसकी अलग से ही स्टेयर्स जा रही है। तो बहुत ही शानदार लोकेशन में शानदार व्यूज। अब ये 36 फुट चौड़ाई में जो हमारा घर है हमने किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तकरीबन 12 फुट का ये हमारा मेन एरिया है जहाँ पर हमने प्रॉपर ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है। यहाँ पे आपका प्रॉपर मेन गेट है जो कि 10 फुट की चौड़ाई में, अंदर एक गाड़ी SUV आपकी आराम से पार्क हो जाएगी। यहाँ पर हमने प्रॉपर जो आजकल की इटालियन लुक में टाइलिंग का वर्क किया गया, अच्छा स्टोन क्लैडिंग का वर्क किया गया, यहाँ पे अच्छा काम किया गया है लाइटिंग का, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पर भी हमने जो गार्डन एरिया के अंदर प्रॉपर गार्डन एरिया आपको मिलेगा, ये तकरीबन 28 फुट की चौड़ाई में आपको इसी तरीके से मिलेगा, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। अब चलेंगे इस घर के अंदर, आपको इसी तरीके से इसका बहुत ही शानदार व्यूज़ मिलेंगे। अब चलेंगे इसके अंदर, एक साइड में एक विकेट गेट दिया गया है जहाँ पे हमने प्रॉपर गार्डन एरिया आपका डिफाइंड है, प्रॉपर गार्डन आपको मिलेगा एज इट इज़ मेंटेन्ड गार्डन, न्यूली बिल्ट हाउस है सेक्टर 79 मोहाली के अंदर, प्राइम लोकेशन प्राइम व्यूज़। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन देखेंगे, फ्रंट एलिवेशन में हमने प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल में जो आजकल टाइलिंग का वर्क चल रहा है इस तरीके से किया है, ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है, वाइट का और HPL लाइटिंग के साथ लाइटिंग LED बहुत ही शानदार। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को, आपने देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन कितनी सुंदर है, जहां पे हमने प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन में अच्छी लाइटिंग का वर्क किया गया जो रात को बहुत ही शानदार आपको फ्रंट एलिवेशन को उभार के नज़र देगी। अब इसके यहाँ पे हम प्रॉपर मेन पॉश एरिया, पॉश एरिया की बात करूँ तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में और 15 फुट लंबा एरिया, यहाँ पे आपकी घर के अंदर ही SUV गाड़ी पार्क हो सकती है। ऊपर अच्छी जो मैं HPL लाइटिंग के साथ LED लाइटिंग का वर्क है, ब्राउन कलर की जो HPL की सीलिंग कर रखी है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। ये हमारी टॉप फ्लोर को एरिया जा रहा है, बिल्कुल ही सेपरेट एरिया जो कि टॉप फ्लोर को जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ है। यहाँ पे आपका छोटा सा वॉशरूम है, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगा। फ्रेंड्स प्राइम लोकेशन के होने के साथ साथ ये प्रीमियम क्वालिटी की इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में ही काम है। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर आपका टाइलिंग का, ब्लैक टाइलिंग का वर्क है, उसके अंदर वाइट का अमलगमेशन है, बहुत ही शानदार HPL और ग्रीन ग्लास का वर्क, बहुत ही अमेजिंग हमारा पॉश एरिया के व्यूज़, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ के साथ सारा का सारा जो आजकल की मॉडर्न स्टाइल में लुक है उसी तरीके से कर रहा है। अब हमारा मेन गेट भी बहुत कुछ बता रहा है, तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में 8 फुट लंबा गेट, सारे के साथ सिक्योरिटी सिस्टम के साथ जैसे कि आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स और विदाउट की डोर लॉक्स के साथ चल रहा है, इसी तरीके से आपको मिलेगा। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल, सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है एक ब्यूटीफुल वाव फैक्टर, क्या जबरदस्त घर है, 300 गज के अंदर मॉडर्न स्टाइल का घर है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का वर्क किया गया है, हमने नीचे इटालियन मार्बल का वर्क किया है, बहुत ही शानदार आपको अपने कैमरा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर टीक वुड की हमारी स्टेयर्स जा रही है जो कि इंटरनल स्टेयर्स हैं, डुप्लेक्स स्टाइल होम 300 गज के अंदर, प्रीमियम लोकेशन प्रीमियम एरिया, अच्छा फॉल सीलिंग डिजाइन, मॉडर्न डिजाइनिंग कैसे आप अपने घरों को कर सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर भी जान पा रहे हैं। बैक साइड पे अब मैं इसकी नक्शे की बात करूँ, अब मैं मिडल ऑफ द घर के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया था ये आपका फॉयर एरिया था, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है, छोटा सा कॉमन वॉशरूम, ये हमारा प्रॉपर LED लॉन्च एरिया। बैक साइड पे आपकी राइट हैंड साइड पे किचन है जो कि मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे एक फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, 3 बेडरूम्स ऊपर, 5 बेडरूम हाउस, डुप्लेक्स हाउस डिज़ाइन। पहले आप देखिए इसकी डुप्लेक्स स्टाइल होम के यहाँ पर लॉन्च एरिया की तस्वीर, यहाँ पर हमने प्रॉपर LED TV यूनिट का डिज़ाइन किया रखा है, प्रॉपर पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहा है, तकरीबन 12 फुट के एरिया को ये कवर है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15x30 का एरिया, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, शानदार व्यूज़ आप देखिए इसके एरिया।
HD कैमरा में कैसा आपको घर लग रहा है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ऊपर देखिए कितने शानदार इसमें सीलिंग का काम किया गया है जो कि हमारी एक कॉमन डोर के साथ नज़र आ रहा है और बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका कॉमन वॉशरूम। चलेंगे इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ। फ्रेंड्स टफ एंड ग्लास के साथ हमने इसको ड्राइंग रूम को पार्टीशन किया गया है कि वो सी थ्रू भी नज़र आए और प्रॉपर एरिया भी नज़र आए। राइट साइड पे आपकी प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन पे सामने ग्लास का वर्क है, टफ एंड ग्लास का विद मैश विंडोज, प्रॉपर टीक वुड के अंदर अच्छा मॉडर्न फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। जब भी आप डिजाइनिंग की बात करें कि इस तरीके से आजकल मॉडर्न लुक चल रहे हैं आप नज़र कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपके प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ आपका सी थ्रू एरिया नज़र आ रहा है। कोई आपके गेस्ट आए तो आप अलग से ही आपका ये एरिया डिफाइंड है और अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, वॉल्स का कलर बहुत ही शानदार। और नीचे हमने बहुत ही अमेजिंग इसमें इटालियन मार्बल का, लाइट ब्राउन मार्बल का बहुत ही इटालियन शानदार वर्क आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15x20 का बहुत ही शानदार ये हमारा ड्राइंग रूम है अमेजिंग व्यूज़ के साथ और प्रॉपर सी थ्रू विद टफ एंड ग्लास का काम, जिसके अमेजिंग वर्क्स आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। अटैच हमने कॉमन वॉशरूम बना रखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कॉमन वॉशरूम की नहीं जगह, हमने प्रॉपर कॉमन वॉशरूम है जो कि एक बेसिकली हम जिसको बोलते हैं पाउडर रूम, तो पाउडर रूम है ये। इसकी डिमेंशन की बात करूँ 3 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा एरिया और अच्छा हमने यहाँ पे नीचे तक इसमें टाइलिंग का काम किया, ऊपर हमने वॉलपेपर का काम किया तो बहुत ही शानदार। और उसमें टीक वुड के डोर्स हैं प्रॉपर, आप देखिए इसके कॉमन वॉशरूम को। एरिया है जिसको आप बोल सकते हैं डाइनिंग एरिया, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे आपका 8 सीटर डाइनिंग टेबल आ जाएगा, तब भी बहुत ज़्यादा स्पेस नज़र आ जाएगी आपको। इसकी डिमेंशन की बात करूँ तो 12 फुट चौड़ाई में और 15 फुट लंबा एरिया और बहुत ही शानदार एरिया। इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग हमारे यहाँ सीलिंग का काम किया गया, जो आजकल की मॉडर्न लुक में सीलिंग चल रही है उस तरीके का काम है और अमेजिंग व्यूज़ के साथ में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है आपकी किचन जो कि एक मॉड्यूलर किचन है। इतनी शानदार मॉड्यूलर किचन है, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12 फुट की चौड़ाई में और 15 फुट लंबी किचन, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर। 300 गज के अंदर मुझे लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि 500 गज का एक डुप्लेक्स स्टाइल बहुत ही लग्जरी वाला होम है। यहाँ पर हमने अच्छा वीनियर का काम किया गया, लाइट कलर की कलर है, उसमें कॉपर का वर्क है, ये क्वार्ट्ज मार्बल तकरीबन 2 फुट की आपकी शेल्फ क्वार्ट्ज मार्बल के साथ। आजकल जो मॉडर्न स्टाइल की किचन का काम चल रहा है, इस तरीके की मॉडर्न स्टाइल की किचन में काम कर रखा है हमने। इसमें प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया दे रखा है हमने, टफ एंड ग्लास के साथ बैक कोर्टयार्ड के सामने खुल रहा है। यहाँ पे आपकी 6 इंच आपका आराम से 6 इंच का आपका एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। आपकी चिमनी एरिया हमने पहले से ही डिफाइंड है, गैस ऑफ, जो भी चीज़ें आपको इस घर के अंदर नज़र आ रही हैं वो इसी के अंदर इस तरीके से मिलेगी। सेक्टर 79 के अंदर 300 गज का होम, ये आपका प्रॉपर आजकल की मॉडर्न स्टाइल में ब्रेकफास्ट टेबल का डिज़ाइन है। प्रॉपर ब्रेकफास्ट टेबल आपको इसी तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आप आराम से करके नज़र कर पा रहे हैं कि अपना जहाँ पे डाइनिंग में दे सकते हैं। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर पेंट्री यूनिट, जो आजकल की मॉडर्न पेंट्री यूनिट का डिज़ाइन है, आपको इसी तरीके से मिलेगा। एल शेप के अंदर प्रॉपर एरियाज जो डिफाइंड है आजकल के, इसी तरीके से प्रॉपर एरियाज हैं। यहाँ पे आपका डबल डोर का फ्रिज आ जाएगा, फ्रिज के साथ फ्रिज के लिए हमने प्रॉपर स्पेस रखा है जहाँ पर आपका प्लग आ जाएगा, तो हर एक चीज़ का छोटा छोटा ध्यान। गैस ऑफ आपको एज इट इज़ मिलेगा, डबल आजकल जो सिंक चल रही है डबल डबल वाली, वो उस तरीके से मिलेगी। प्रॉपर हॉट और टैप वाटर, कोल्ड वाटर, यहाँ पे आपकी फ्रूट बास्केट्स के लिए एरिया डिफाइंड है। सारे के सारे जो कटलरी एरिया, सारे सारे ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ सॉफ्ट टच के अंदर नॉर्मल फॉल सीलिंग डिज़ाइन, बहुत ही शानदार व्यूज़ आप देखिए इसके मॉड्यूलर किचन को।
सिटी एंड मोहाली के अंदर घर बहुत ही शानदार लोकेशन में। अगर जो फ्रेंड्स आपने खरीदना है अभी विजिट करना है, नीचे दिए मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर आ गए हैं। इसकी डिमेंशन की बात करूँ 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार कमरा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और मॉडर्न स्टाइल में किस तरीके से आप डिज़ाइन कर पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल के अंदर हमने इसे फॉल सीलिंग डिज़ाइनिंग का काम है, अमेजिंग फॉल सीलिंग डिज़ाइन। जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करें किस तरीके से आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं बेडरूम, हमने इसमें नीचे प्रॉपर लाइट कलर की इटालियन मार्बल का वर्क है नीचे, अच्छा ऊपर हमने प्रॉपर फॉल सीलिंग मॉडर्न स्टाइल की फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, अच्छा काम किया गया है लाइट कलर की वॉल्स का। प्रॉपर 4K की लाइटिंग आपकी सिर्फ राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है, कितनी शानदार आपकी 4K की लाइटिंग। कैमरा स्क्रीन पे अल्ट्रा HD कैमरा के अंदर आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा काम किया गया है हमारा LED TV यूनिट प्रॉपर डीको पेंट के साथ, वीनियर के साथ, अच्छा PU पॉलिश का काम, सारे के सारे आपकी लाइटिंग का काम इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आपकी AC की डक्ट के लिए हमने प्रॉपर स्पेस रखा है, ये सारी की सारी वेंटिलेटेड एरिया बैक का आपका बैक पोर्टियड आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत ही शानदार आपका ये फर्स्ट बेडरूम है, आप देखिए इसके व्यूज़ को। के बाद चलते हैं इसके ड्रेसिंग एरिया की तरफ, कि वास्तु में ऐसा रहता है कि हमें बेडरूम के अंदर मिरर नहीं लगाना, हमने प्रॉपर एरिया डिफाइंड है जहां पर हमने ड्रेसिंग एरिया के अंदर मिरर लगाया है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमने प्रॉपर डोर्स बना रखे हैं, मतलब वार्डरोब्स बना रखे हैं, और वार्डरोब्स भी प्रॉपर डीको पेंट के अंदर ग्रे कलर का लुक, अच्छा हैंडल का डिज़ाइन, बहुत ही शानदार, अंदर से भी लैमिनेटेड बाहर से भी लैमिनेटेड, प्रॉपर स्पेसिस है आपके हैंगर डिज़ाइन की, 2 फुट के अंदर तकरीबन 2.5 फुट की डेप्थ स्पेस है, और अच्छा काम किया गया है प्रॉपर ओवरहेड तक तो स्पेस की कोई कमी नहीं। इसके साथ ही अटैच हमारा वॉशरूम है, जो वॉशरूम की डिज़ाइनिंग की बात करूँ किस तरीके से वॉशरूम डिज़ाइन करना चाहिए, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करिए, हमने प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल किया है टाइलिंग के अंदर, नीचे हमने एंटीस की टाइलिंग का वर्क किया है, ऊपर ओवरहेड तक टाइलिंग का इस्तेमाल किया, आपके गीज़र का पॉइंट का ध्यान रखा है, गीज़र हमने लगा के देंगे, अच्छा वैनिटी का डिज़ाइन है जो कि यहीं पर बनी गई है, जो बाहर मॉडर्न एमेनिटीज़ मिलती हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, हमने यहीं पर बनाई है। वेंटिलेटेड एरिया अच्छा काम किया गया है प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज के साथ, सारी ब्रांडेड एमिनिटीज़ और ड्राई और वेट एरिया का प्रॉपर डिफाइन किया है, यहाँ पे आप टफन ग्लास लगा के इसको ड्राई और वेट एरिया को डिफरेंस कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ आप देखिए इसको। के बाद चलेंगे इसके बैक पोर्टियड की तरफ, यहाँ पे भी टफ एंड ग्लास का काम किया गया है तो बहुत ही शानदार, और इसके नीचे भी यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क है, डार्क ब्राउन ग्रेनाइट का बहुत ही शानदार वर्क, यहाँ पे भी आप अपने प्लांटर्स लगा सकते हैं, अच्छा आर्टिफैक्ट्स का काम कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे भी प्रॉपर लाइटिंग का काम किया गया, यहाँ पे फाउंटेन एरिया भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग। बैक पोर्टियड एक ऐसी प्लेस जहाँ पर हमने सारे के सारे आपकी टैप्स वगैरह दे रखी हैं फॉर वॉशिंग, यहाँ पे आपका प्रॉपर एरिया है जहाँ पे आपकी आपका लग जाएगी वॉशिंग मशीन, तो बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है ऊपर सीलिंग के अंदर लाइटिंग का, तो बहुत ही अमेजिंग। इधर भी नीचे वेट एरिया का डिफाइंड एरिया है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़। अब चलेंगे इसके सेकेंड बेडरूम की, कैसा लग रहा है फ्रेंड जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए इसकी फ्रेंड्स, अब आ गए हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा ये कमरा है, और यहाँ पे अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है जो मॉडर्न स्टाइल की फॉल सीलिंग है, प्रॉपर डीको पेंट के साथ हमने इसके अंदर मतलब घर के अंदर पैसा खर्चा, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर। नीचे अच्छा वुडन फ्लोरिंग का वर्क है, वुडन फ्लोरिंग क्या अमेजिंग कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसके अंदर, ये भी अच्छा हमने डीको पेंट का काम किया गया है। प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ आपका ड्राइंग रूम है जहाँ पे आपका गार्डन एरिया है, तो आपका गार्डन यहीं पे बैठा बैठा दिख रहा है, अमेजिंग स्ट्रक्चर के साथ आपको इसी तरीके से एक घर मिल सकता है। अगर जो खरीदना है अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। आप देखिए इसके सेकंड बेडरूम को,
भी ऐसा है हमारा अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया में हमने वार्डरोब्स बनाए हैं। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 8 फुट लंबा एरिया और यहाँ पे तकरीबन 4 फुट का आपका ये एक वार्डरोब है जिसके अंदर हमने स्लाइडिंग डोर्स का इस्तेमाल किया है और ओवरहेड भी स्पेसिस का इस्तेमाल किया। लेफ्ट हैंड साइड पर आपका प्रॉपर मिरर एरिया है जहाँ पर आपके सारे के सारे लोशंस वगैरह के लिए हमने इस प्रॉपर स्पेस रखा है। इसके साथ ही अटैच हमारा वॉशरूम है, बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है। फ्रेंड्स वॉशरूम भी इसमें लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, नीचे डार्क ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, तो बहुत ही अमेजिंग अमलगमेशन किया गया है। ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल है और प्रॉपर हमने वेंटिलेटेड एरिया है। कोई लोग भूल जाते हैं वेंटिलेशन के, हमने प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया आपको इसी तरीके से मिलेगा। सारे के सारे गीजर के हमने पॉइंट के साथ साथ लगा भी रखे हैं। यहाँ पर आपका ब्रांडेड फिटिंग के साथ जो सारी चीज़ें हैं और अच्छा हमने प्रॉपर 6 फुट का एरिया जहाँ पे आपका हमने इटालियन मार्बल के साथ ऊपर अच्छा वैनिटी का काम किया गया है, तो बहुत ही शानदार बेसिन और यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए प्रॉपर स्पेस बनाया है और यहाँ पे छोटी छोटी लाइटिंग का वर्क, तो बहुत ही अमेजिंग हमारा ये वॉशरूम है। इसकी डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 6 फुट चौड़ाई में 8 फुट लंबा वॉशरूम है। आप देखिए ग्राउंड एरिया के व्यूज को अब चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे डुप्लेक्स स्टाइल होम होने के कारण आपके घर से ही सीढ़ियां जा रही हैं और अंदर से ही, और यहां पर हमने प्रॉपर टीक वुड के अंदर ये काम किया गया। स्टेयर्स भी बहुत ही शानदार जो आजकल की मॉडर्न स्टाइल की स्टेयर्स चल रही हैं विद सी थ्रू, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर हमने नीचे इसके अंदर इटालियन मार्बल का वर्क है, ये कितना शानदार यहाँ पे वॉलपेपर का काम है और बहुत ही अमेजिंग। और टॉप तक देखिए कितना शानदार इसमें वुड का काम किया गया है, हमारे सीलिंग है पर कितना अमेजिंग वुड का काम है जो कि हमारे ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई के अंदर बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर। चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पर ये प्रॉपर सिटिंग लॉन्ज एरिया है, यहाँ पे आपका प्रॉपर बालकनी एरिया दिया गया है, अच्छा सीलिंग का काम है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाएंगे क्योंकि आप लंबा वीडियो हो जाता है लोगों को। अब चलेंगे इसकी बालकनी एरिया की तरफ जो कि बहुत ही शानदार बालकनी एरिया है। यहाँ पर हमने प्रॉपर अच्छा काम किया गया लाइटिंग का, HPL लाइटिंग के साथ, HPL के साथ वुडन टाइलिंग के साथ और बहुत ही शानदार ब्लैक वुडन टाइलिंग, लाइट ब्राउन वाइट का अच्छा मल्टीप्लिकेशन और बहुत ही शानदार यहाँ पर भी हमारा एरिया है जहाँ पर टॉप तक हमारा एरिया है जहाँ पर आपकी सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह बने हैं, तो अलग से ही इसकी स्टेयर्स जा रही हैं जो मैं बता रहा था। तो बहुत ही अमेजिंग वाइट कलर यहाँ पे भी अच्छा काम किया गया है नीचे टाइलिंग का और ये टफ एंड ग्लास लाइट ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, तो अमेजिंग लुक दे रहा है और सी थ्रू अमेजिंग स्ट्रक्चर। जो फ्रंट से एलिवेशन का स्ट्रक्चर आ रहा था आपको इसी तरीके की चीज़ें दी नज़र आ रही थी HPL और LED लाइट्स का, तो अमेजिंग व्यूज़ के साथ आपको इसी तरीके से फ्रंट एलिवेशन मिलेगी। आप चलेंगे दोबारा घर के अंदर। जब आ गए हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर, ये भी 12x15 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर देखिए नीचे आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है टफ एंड ग्लास के साथ हमारा गार्डन एरिया, यहीं से बैठ के आप बैठ के चाय पीजिए। यहाँ पे HPL लाइटिंग के साथ आपका HPL के साथ लाइटिंग का वर्क है, तो ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग डिज़ाइन, कितना अमेजिंग आपको नज़र आ रहा है अपने HD वाइड एंगल कैमरा के अंदर। और यहाँ पर अमेजिंग स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाते हैं। इसके साथ ही अटैच्ड जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एरिया था वार्डरोब्स का, हमने प्रॉपर स्लाइडिंग डोर के तो वार्डरोब बना रखे हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ हमारा ये वॉशरूम है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 6x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। यहाँ पर भी प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, ओवरहेड तक टाइलिंग का काम है, तो बहुत ही अमेजिंग। फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा छोटा सा एक पूजा रूम दिया गया है या उसको आप पेंट्री भी बना सकते हैं, तो प्रॉपर छोटा सा एक पूजा रूम है और बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। आप देखिए इसके पूजा रूम को। बता रहा
ज़्यादा था टॉप ग्राउंड फ्लोर से जा रही हैं, यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, तो ये प्रॉपर स्टेयर्स यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से अलग से ही हैं। आपने अगर जो इसको रेंट आउट करना है तो रेंट आउट भी कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर पार्टी एरिया टॉप में है आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, और अलग से ही अगर जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो नीचे से ही ऊपर टॉप पे अपना एक बना सकते हैं एरिया जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हम चलेंगे, कितना अमेजिंग एरिया नज़र आ रहा है आपको टीक वुड के साथ, ये टफ एंड ग्लास के साथ अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में, तो ओपननेस भी दे रखा है घर को बहुत ही शानदार। अब चलेंगे इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ, बेडरूम आ गए हैं 15x20 का बहुत ही शानदार एलिगेंट कमरा है, यहाँ पर भी अच्छा टीक वुड का हमने पॉलिश के साथ अच्छा काम किया गया वीनियर का, और वाइट का डिको पेंट का काम बहुत ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपके प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ एरियाज़ हैं, बैक में भी कोर्टयार्ड है, और बहुत ही शानदार इसके में फॉल सीलिंग डिज़ाइन है जो आजकल की मॉडर्न लुक में फॉल सीलिंग डिज़ाइन है आपको इसी तरीके से मिलेगा। अब इसके साथ ही अटैच हमारा कॉमन एरिया जहाँ पे हमने ड्रेसिंग एरिया बनाया और प्रॉपर हमने वार्डरोब्स हैं, अंदर से भी लैमिनेटेड बाहर से भी लैमिनेटेड, बहुत ही शानदार। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम, बहुत ही ग्रेसफुल वॉशरूम है, इसकी टाइलिंग बहुत ही अमेजिंग है, कितना म्यूरल स्ट्रक्चर दे रहा है जो आजकल की एलिगेंट स्टाइल में टाइलिंग चल रही है, उस पर अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, वेंटिलेटेड एरिया, जो भी चीज़ें आपको इस घर के अंदर दिख रही हैं विद फैंस गीजर्स आपको इसी तरीके से मिल सकता है सेक्टर 79 मोहाली के अंदर। बैक कोर्टयार्ड की तरफ जहाँ पे हमने प्रॉपर बैक एरिया है, जहाँ पे हमने प्रॉपर बैक कोर्टयार्ड बना रखा है जहाँ पे वॉशिंग एरिया वगैरह है, तो बहुत ही शानदार आप देखिए। के फिफ्थ बेडरूम की तरफ, बहुत ही शानदार फिफ्थ बेडरूम है, इसकी डिमेंशन की बात करूँ 12x15 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसके अंदर भी हमने प्रॉपर आजकल की मॉडर्न स्टाइल की सीलिंग का काम किया गया, प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगा, बहुत ही एलिगेंट इसके अंदर ल्यूवर्स लगाए गए हैं, और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमारा डीको पेंट के साथ LED TV यूनिट का, तो अमेजिंग स्ट्रक्चर है। सारे के सारे घर के अंदर हमारा या तो इटालियन मार्बल लगा हुआ है या फिर वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है। इसके साथ ही आ जाता है हमारा अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया, बहुत ही शानदार हमारा ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर एरिया डिफाइंड है जहाँ पे आपकी सारी की सारी वार्डरोब्स हैं, अंदर से भी लैमिनेटेड बाहर से भी लैमिनेटेड, और स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, नीचे वुडन फ्लोरिंग का बहुत ही शानदार काम, इसे बैक पे आपके मिरर नज़र आ रहा है आपको। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम यहाँ पर भी ब्लैक और वाइट का अच्छा मल्गमेशन किया गया है यहाँ पे, मतलब जो टाइलिंग है वाइट कलर की टाइलिंग है, नीचे एंटीस की टाइलिंग का वर्क किया गया, तो बहुत ही शानदार प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, सारे गीजर के पॉइंट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे, सारी ब्रांडेड एमिनिटीज, बहुत ही अमेजिंग व्यूज आप देखिए। आपको ये 300 गज का होम डिज़ाइन और बहुत ही शानदार लोकेशन सेक्टर 79 मोहाली के अंदर बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है या विजिट करना है, अभी नीचे दिखे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।